आप सब तो काफी समय से इस गुड न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि इस साल होने जा रहे 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पार्ट है हमारे जोंगकुक। जोंगकुक इस वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे, साथ ही वो साउंड ट्रैक भी करेंगे, जिसके लिए वो आज सुबह सुबह ही कतर के लिए रवाना हो चुके हैं। जोंगकुक के इस परफॉर्मेंस के लिए BTS आर्मीज बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड है और वो पूरी तरह से जोंगकुक को सपोर्ट करना चाहती है। बट काफी सारे ऐसे भी BTS आर्मीज है जो नहीं चाहती है कि वो जोंगकुक को इस परफॉर्मेंस के लिए सपोर्ट करे और न ही वो चाहती है कि जोंगकुक इसमें परफॉर्म करे। अब आर्मीज ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो नहीं चाहती है कि वो जोंगकुक के परफॉर्मेंस को सपोर्ट करें, ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और जब आप सब इसके पीछे की पूरी स्टोरी जानोगे तब आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफी ज्यादा वियर्ड है। और जब आप भी उन रूल्स के बारे में जानोगे तब आपको भी उनके रूल्स जानकर काफी ज्यादा ताज्जुब होगा। वहाँ पे जो LGBT के लोग होते हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव किया जाता है, वहाँ पे विमेंस पे भी रहम नहीं किया जाता है, उनके साथ भी बहुत ही गलत सुलूक किया जाता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं उन्हें टाइम पे सैलरी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो कई बार स्ट्राइक पे भी जा चुके हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों का कहना है कि फीफा वर्ल्ड कप में इतने सारे पैसों को खर्च किया जा रहा है बट जो लोगों की जरूरतें हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही आर्मी जोंगकुक की सेफ्टी को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि जोंगकुक को अकेले ही वहाँ पे भेज दिया गया है। तो यही वो सारे रीजन है जिसकी वजह से आर्मीज नहीं चाहती है कि जोंगकुक इसमें परफॉर्म करे। वैसे आप सबको इस टॉपिक पे क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जाने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।